आज हम लोग पीरकपुर गांव में पहुंचे हुए हैं, जो कि प्रखंड बोछा मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। इस बस्ती में 600 परिवार रहते हैं और यहां के लोगों का मुख्य फसल गेहूं, धान और मक्का है। इस गांव में कुछ लोग और भी सब्जी लगाते हैं। यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय पीरकपुर है। यहाँ इस स्कूल में 8 तक के बच्चे शिक्षा को हासिल करते हैं और इस स्कूल में ही अपना पढ़ाई को पूरा करते हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया, किधर आए हैं भैया? बस ऑफिस से मिलने आए दीदी। इतना धूप में आ गए? आ गए हैं, देखे हैं दीदी क्या कर रही है। हमको तो जो किसानी है वही काम कर रहे हैं भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, थोड़ा धूप में आए हैं, थोड़ा बैठ जाइए। तो दीदी, हम सुने हैं कि आप श्री विधि से भी खेती करते हैं। हाँ, श्री विधि से तो हम कर रहे हैं, आप भी तो खेती कर रहे हैं, तो आप नहीं जानते हैं? नहीं नहीं, हम तो जानबे नहीं करते हैं। अच्छा, खेती माने हम लोग करते हैं तो बीज उपचार करना पड़ता है। हम बीज उपचार करना पड़ता है? हाँ, इसके बारे में नहीं पता है आपको? जी ना, इसके बारे में तो हम पता करना चाहिए, पर इतना दिन से खेती कर रहे हैं, आपको पते नहीं है? जो बीज उपचार करके खेती करते हैं तो कैसा फसल होता? दीदी। हाँ भैया। तो थोड़ा इस विधि के बारे में करके दिखा देते तो अच्छा रहता। ठीक है भैया, तो हम ला रहे हैं, आपको करके दिखा देंगे। जी ठीक है भैया, तो थोड़ा ये चारपाई को हटा रहे हैं। जी ठीक। ठीक है भैया, ये धान का बीज है ना? ये धान का बीज है और ये भी वेस्टिंग पाउडर है। ये नमक है। और एक मुर्गी का अंडा है। और ये तो दस्ताना चाहिए, बाकी दस्ताना नहीं रहने के कारण हम पोलोथीन ही रखे हुए हैं। देखिए, ये माचिस का खप्पा है, इससे बेबिस्टिंग पाउडर नाप। अच्छा अच्छा, तो इसी से बेबिस्टिंग पाउडर नाप के आप बीज में मिलाते हैं? जी। और पानी है बाल्टी में। तो दीदी, हमको बताते ना कि मात्रा कितना कितना लगता है? अच्छा, मात्रा के बारे में पूछ रहे हैं। जी दीदी। तो माने 10 कट्ठा खेती करने के लिए 1 किलो बीज चाहिए और इसमें 2 लीटर सादा पानी भी चाहिए। जी जी। और इसमें बेबिस्टिंग पाउडर चाहिए और नमक चाहिए और मुर्गी का अंडा चाहिए। अच्छा जी, तो मुर्गी का अंडा अगर नहीं हुआ तो? मुर्गी के अंडा अगर नहीं हुआ तो हम इसमें आलू अगर जो होता है जितना मुर्गी का अंडा का वजन। ठीक है भैया, घोल तैयार करने से पहले हम अंडा को इसमें डाल के देखते हैं, जो अंडा फूटा हुआ तो नहीं है। अच्छा अच्छा, देखिए सही अंडा है। जी जी दीदी, अंडा तो सही। ठीक है भैया, तो कैसे आपको पहचान में आएगा जो अंडा सही है? अंडा? जो अंडा वो डूब गया तो सही है। अच्छा दीदी, माने अंडा जो पानी के नीचे डूब गया वो अंडा सही है? सही है। अच्छा ठीक है भैया, तो अंडा तो हम अब जांच लिए और अंडा को बाहर निकाल देते हैं और घोल को तैयार करेंगे। अच्छा दीदी ठीक ठीक है। ठीक है भैया, तो नमक है हम और घोल तैयार कर रहे हैं। अच्छा दीदी, आप कितना नमक डालिएगा? देखिए भैया, इसमें जरूरत अनुसार हम लोग नमक इसमें डालते हैं। अच्छा, अच्छा। और नमक डालते रहेंगे, जब तक घोल नहीं तैयार होगा तब तक इसमें नमक डालते रहेंगे। अच्छा अच्छा।
और पहले देखे है ना, पहले इसमें मुर्गी के अंडा हम डाले हैं। अच्छा। तो क्या हुआ, तो बैठ गया था अंडा। अच्छा, अच्छा। और अब नमक धाके घोल तैयार करेंगे, जब इसमें अंडा नमक डाल के घोल तैयार कर करके और फिर अंडा डाल के इसमें देखेंगे, जब अंडा ऊपर दहाने लगेगा तो हम जानेंगे हमारा घोल तैयार हो गया। घोल तैयार होने के बाद अंडा ऊपर आके तैरने लगेगा। तैरने लगेगा। ठीक ठीक है भैया, तो हम घोल तैयार करें नमक डाल के। ठीक दीदी, ठीक। अच्छा दीदी, तो अंडा डाल के दिखाइए तो घोल तैयार हुआ कि नहीं। ठीक है भैया, तो हम दिखाते हैं आपको। अच्छा, तैयार हो गया, देख रहे हैं ना। हाँ दीदी, अब तो घोल तैयार हो गया, अंडा तैर रहा है ना। हाँ दीदी, ठीक है। देखिए कितना तैर रहा है, बाहर कितना आ रहा है अंडा ऊपर। वो चवन्नी के आकार में अंडा मतलब दिखाई दे रहा है। हाँ, तो चवन्नी के आकार में अगर ऊपर दहाने लगेगा अंडा तो समझ जाइएगा जो मेरा घोल तैयार है। अच्छा दीदी, घोल तो तैयार हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, तो हम करके आपको दिखलाते हैं। अच्छा अच्छा, इस घोल में अब हम बीज डाल रहे हैं। वही पकड़ते हैं का। तो दीदी, इस बीज को हम इसमें काहे डाल रहे हैं। बीज के इसलिए इसमें हम लोग डालते हैं, जो जितने अच्छा बीज होगा ना। अच्छा, वो तर में बैठ जाएगा, और जितने खाखरी होगा, जो नहीं अकुरा देने वाला होगा, वो सब ऊपर। अच्छा अच्छा, तो बहा जाएगा तो छान के हटा देंगे उसको। अच्छा, खखरा को हटा देंगे। हाँ। और जो अच्छा बीज होगा उसको मतलब रख लेंगे। हाँ। अच्छा दीदी। हाँ, तो बहुत धान ऊपर चला आया। तो भैया इसीलिए ना बिया को ये नीमक को घोल बना करके इसमें डालते हैं, जो देखे ना, ये पूरा जितना रद्दी बिया है सब ऊपर दहा जाएगा, छान को इसको हटा देंगे। अच्छा अच्छा, तो ये कामिल बिया नहीं है। कामिल नहीं है, इसमें से एक अंकुरा भी नहीं कभी नहीं जलमेगा और स्वस्थ पौधा भी नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, तो अब इसको हम क्या करेंगे भैया। ये जो है ना, ऐसा पानी को पसा देंगे, दो तीन पानी से फिर इसको धोएंगे, अला जो नीमक को असर इसमें हो गया। अच्छा अच्छा, तो धोना भी जरूरत है ना। अच्छा अच्छा, तो सादा और साफ पानी से इस बीज को धोएंगे। हाँ धोएंगे। अब चलते हैं कल पर। चलिए चलिए। अच्छा दीदी। हाँ भैया। तो ये खराब बीज जो है उसको बीग देते हैं, इसका कोई काम नहीं है क्या। होगा भैया काम, इसको तो काम होगा। हम लोग क्या करते हैं, जो इसको फेंकेंगे का है, अगर वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम अगर इसमें डाल देते हैं तो हमारा खाद भी तैयार हो जाता है। अच्छा अच्छा, वर्मी कंपोस्ट। खराब बीज से हम वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। जी जी। अच्छा देखिए भैया, इसको अब हम साफ पानी से धोएंगे। अच्छा अच्छा, न धोएंगे तो क्या होगा दीदी। नहीं धोएगा तो होगा, जो जो डालिए ना, पहले पानी डालिए, जो इसमें अंकुरण देने वाला जो होगा ना, अगर नीमक का असर रह जाएगा। अच्छा अच्छा, तो अंकुरण नहीं देगा। ओ, नीमक का असर रह जाने से अंकुरण नहीं देगा, इसीलिए सादा पानी से धोते हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग धो देते हैं। कितना बार धोते हैं दीदी। 3 से 4 बार धो देते हैं। तो अच्छा से धुल जाता। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक। आप क्या कर रहे हैं, इसको पानी रख रहे हैं इसलिए इसमें जो 18 घंटे इसको पानी में फुलाएंगे। अच्छा, क्या फुलाएंगे इसको दीदी। जो बिया अंकुरण होगा इसलिए, इससे मतलब बिया अंकुरित होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसको कहाँ रखिएगा दीदी। ठंडा में रखेंगे, घर में। ओ, ठंडा जगह में। हाँ, ठंडा जगह में, नहीं जो धूप में रख लीजिएगा, ठंडा में। ठीक है दीदी। 18 घंटा तो फूल गया धान, अब क्या कीजिएगा। हाँ भैया, 18 घंटा तो हो गया, अब इसको पटुआ का बोरा पड़े। अच्छा। भेजा हुआ पटुआ को बोरा होना चाहिए। अच्छा अच्छा। और उस पर हवा लगा देंगे। अच्छा, हवा लगा के क्या कीजिएगा। हवा लगाने के बाद उसमें बेबिस्टिंग पाउडर। अच्छा, बेबिस्टिंग पाउडर। हाँ, ये क्या होता है। बेबिस्टिंग पाउडर इसलिए उसमें मिलाया जाता है, जो उसमें फुंदा जो लगता है ना। अच्छा, अच्छा। तो आपको पौधा में नहीं लगेगा। अच्छा। और पौधा आपको स्वस्थ निकलेगा। अच्छा, इससे पौधा स्वस्थ होता है। हाँ, स्वस्थ निकलेगा। अच्छा, इससे कीड़ा नहीं लगता। हाँ, फफूंदी नहीं लगता। फफूंदी जो होता है ना। हाँ। वो नहीं लगेगा आपको धान में। अच्छा अच्छा, इसीलिए हम लोग बेबिस्टिंग पाउडर पहले उसमें मिला देते हैं। अच्छा, तो अभी मिलाइएगा। हाँ, अभी मिलाएंगे। अच्छा, तो मिलाइए। तो देखिए इस पर धान को बीज को। अच्छा, बोरा पर रख रहे हैं ना। हाँ हाँ, जूट का बोरा है। हाँ, जिसको पटुआ बोला जाता है। अच्छा, अच्छा। पटुआ को बोरा को भिजा करके। अच्छा। और उस पर धान को हवा लगा देंगे। अच्छा, बोलिए।
बोरा अच्छा बोरा भींगा हुआ रहना चाहिए। हाँ, भीजा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो जितना वो है ना, तो अगर सूखा बोरा पर रख दीजिएगा तो सब टान लेगा ना, तो बीज भी आपको सूखा रह जाएगा। ओ, अंकुरित होने के लिए बीज बोरा भी भीगा हुआ रहना चाहिए। बोरा भी भीजा हुआ रहना चाहिए। अच्छा दीदी, तो धान के बीज को आप ये बरा लिए जी। अच्छा, तो बराने के बाद आप क्या कीजिएगा इसको? इसमें विविस्टिंग पाउडर मिलाएंगे। अच्छा, विविस्टिंग पाउडर कितना मिलाइएगा इसमें? 1 किलो बिया में 2 ग्राम। 2 ग्राम, अच्छा ठीक ठीक। और जितने भाई बहने हैं वो सुन लीजिए, जब भी विविस्टिंग पाउडर अगर मिला रहे हैं तो दस्ताना है तो दस्ताना हाथ में पहन सकते हैं, अन्ना है तो पोलोथिन का भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, पोलोथिन भी पहन के हम बेबिस्टिन को मिला सकते हैं। ठीक, आपको दिखला देते हैं। ठीक है ठीक, बस 2 ग्राम होना चाहिए भैया। ओ अच्छा, 2 ग्राम। 1 किलो बीज में 2 ग्राम बेबिस्टिन पाउडर। हाँ, ज्यादा नहीं, 2 ग्राम। ठीक है। सब तरफ डालना है। अच्छा, चारों तरफ मिला रहे हैं, मतलब सब जगह डाल रहे हैं? हाँ, सब तरफ जाना, ताकि बढ़िया से मिल जाए। हाँ, बढ़िया से मिल जाए। अच्छा, आई हल्का नमी इसलिए रहता है कि वो अच्छा से मिल जाएगा। हाँ, अच्छा से मिल जाएगा, इसीलिए नमी में रहना चाहिए बीज। ठीक है। इसको मिला करके पोटली बांधेंगे। पोटली बांधेंगे? हाँ। अच्छा, मतलब इसको बोरा को एगो डोरी से पोटली बना के बांध दीजिए। हाँ। अच्छा, बांधने से क्या होता है? बांधने से इसको जैसे अंकुरण होगा। अच्छा, इसलिए बांध के रखते हैं इसको। अच्छा, रखिए कहाँ इसको? घर में रखेंगे, छायादार जगह पर रखेंगे। अच्छा, छायादार जगह? हाँ, 24 घंटे। ओ, 24 घंटा के लिए छायादार जगह पर रखिए। हाँ। अच्छा, ये बोरा जो सूख जाएगा तो क्या कीजिएगा? हाँ, वो भी आप अच्छा बात बोले, अगर बोरा सूख जाएगा तो इस पर पानी का छिड़काव देते रहेंगे। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करेंगे नमी के लिए, वो ध्यान देना होगा आपको। अच्छा, देखते रहना। हाँ, देखते रहना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा से मिला दिए दीदी लेकिन। हाँ, तो अच्छा से तो हमको मिलाना ही है, पहला जो विविस्टिंग पाउडर सब में मिलना चाहिए, वो हर बीज में मिल जाना, हर बीज में मिलना चाहिए, नहीं तो छूट जाएगा, कहीं मिलाएंगे कहीं नहीं मिलाएंगे तो ठीक नहीं। अच्छा दीदी, आप क्या कर रहे हैं? इसको पोटली बांधेंगे। ओ, पोटली बांध रहे हैं। हाँ। पोटली बांध के क्या कीजिएगा? इसको छायादार जगह पर रखेंगे। अच्छा अच्छा, छायादार जगह पर रखेंगे। कितने घंटे? कितना घंटा के लिए? 24 घंटे। ओ, 24 घंटा के लिए। थोड़ा बांधने के लिए नहीं है? ठीक है विजय भैया, थोड़ा मदद कर दीजिए। अच्छा अच्छा, मदद कर दे। ठीक है, मदद कर दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, 24 घंटा इसको आप रख दीजिएगा छांव। लोगों को कुछ संदेश देना चाहें? जरूर, हम देना चाहते हैं जो जितने भाई बहने हैं सबको प्रणाम करते हूँ, और जितने भाई बहने हैं सबको बीज को उपचार करके और खेती किया जाए, और बहुत अत्यधिक उपज होगा जो उपचार करके खेती कीजिएगा। तो माध्यम से और श्री विधि के माध्यम से एक गाना सुनाना चाहते हैं हम। गाँव के बच्चा पढ़ लिख ललको बन लो बुद्धि महान, गाँव के बच्चा पढ़ लिख ललको बन लो बुद्धि महान, श्री विधि से खेती करिह, श्री विधि से खेती करिह, खूब उपजिह धान। जुड़ा दीदी जीविका से, जुड़ा दीदी जीविका से।